हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज डेट है 25 सितंबर और दिन है संडे। और देखिए, रात को हमने बर्तन साफ़ कर दिए थे, थोड़े से बचे थे, तो अभी हम दोनों बर्तनों को कर रहे हैं साफ़। और बड़े बड़े जो भगोने थे वो एक दो बच गया था, रात को नहीं हो पाया था साफ़। तो देखिए बाबा उन्हें बड़े बड़े भगोनों को साफ़ करके रख रहे हैं और हमने छोटे छोटे सारे बर्तन धो दिए हैं। और अभी शायद 6 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और आज भी हमें पूजा करनी है, तो अभी फटाफट से सारे काम निपटा के झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करके फिर खाने की तैयारी करेंगे। और आज कुछ ज़्यादा खाना वाना नहीं बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, पर हल्का फुल्का ही बनेगा क्योंकि कल बहुत हैवी हो गया। तो आज तो सभी लोग मना कर रहे हैं कि हम लोग पूड़ी वगैरह नहीं खाएंगे। अली अली घूम रहे हैं। तो देख सकते हैं मैं नहा ली थी और मैं आ गई हूँ किचन में। और देखिए मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना ली है और मैंने बनाई है तोरई की सब्जी। तो तोरई की सब्जी तो बनती ही है श्राद्धों में। और तो फिर दो सब्जियाँ हो गई हैं, तो अब मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी। खीर भी बन रही है और आटा भी लगा के रखूँगी और पूड़ी बस पंडित जी और पंडितानी के लिए बनाऊँगी और सभी लोगों के लिए रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि सभी लोग मना कर रहे हैं, बच्चे भी मना कर रहे हैं, हमें नहीं खानी है। तो देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना ली है और सादा सब्जी ही बनाई है। और ये देख सकते हैं ये खीर बन रही है, बन चुकी है खीर। अब इसमें बस चीनी डालनी है और ड्राई फ्रूट डालने हैं। तो ये देखिए कल के ही हमने कुछ बचा के रखे थे पहले से ही ड्राई फ्रूट, तो वो ने इसमें डाल दूँगी और इसमें चीनी मिला दूँगी तो खीर कम्प्लीट हो जाएगी। और अब मैं आटा लगा लूँगी तो बस तर्पण के लिए ही पूड़ियाँ बनाऊँगी, पूजा वगैरह के लिए और सभी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो देखिए मैंने प्लेट में चीनी निकाल के रखी है क्योंकि एक दो चीटी हो गई थी चीनी में, तो मैं देखकर डाल रही हूँ इसमें कहीं चीटी तो ना हो। और ये डाल दी मैंने इसमें अब इसे मिक्स कर दूंगी और इसे बंद कर दूंगी जिससे थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब खाएंगे तब तक। और फ्रेंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। और देख सकते हैं मैंने आटा भी लगा लिया है पूड़ियों का और थोड़ा सा आटा लगाऊँगी कचौड़ियों का, तो बस थोड़ी सी कचौड़ी बनाऊँगी जिससे पूरा खाना हो जाएगा श्राद्ध का। तो देखिए सब्जी वगैरह मैंने पलट के रख दी है और मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं फटाफट सेक रही हूँ पूड़ियाँ, बना कर रख दूँगी। पंडित जी अभी नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में बस आने वाले हैं। और देख सकते हैं काना कैसे चोटी बना के घूम रहा है, उसके बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं और श्राद्धों में कटिंग नहीं करवाते हैं तो इस वजह से उसकी कटिंग नहीं करवाई थी, तो बाल थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसकी चोटी बना दी और ऐसे घूम रहा है चोटी बना के। और देखिए पूड़ियाँ भी मैंने निकाल ली हैं, कचौड़ी भी मैं सेक कर रख दूँगी, उसके बाद फिर आटा लगा के रोटियाँ बनाऊँगी सभी लोगों के लिए।
आज हमने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, रायता, खीर, आलू टमाटर की सब्ज़ी, तोरई, पूरी, कचौड़ी, बस इतना ही बनाया था। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग इतना ही, आगे की मैं शूट नहीं कर पाई थी ब्लॉग का, तो अब मैं मिलूँगी आपको अपने अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।